कैसे हैं बेटा आप सभी? सभी बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से अपनी नवरात्रि की एक्टिविटी कर ली बेटा, और आप सबने मुझे काम भी भेजा है अपना। आगे भी आपको इसी तरह से हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है और अपना काम भी टाइम टाइम पर मुझे भेजते रहना है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे काम कर रहे हैं बेटा, वेरी गुड। तो क्लास 5 स्टूडेंट, आज देखिए आज कौन सा पेज करना है हमें क्लास में। आज का जो आपका पेज है वो है पेज नंबर 30, और जो टॉपिक है वो है फ्रूट बास्केट। फ्रूट बास्केट आप पहले भी कई पैटर्न में कर चुके हैं बेटा कलर के साथ। आज जो हम फ्रूट बास्केट करने वाले हैं उसमें क्या करना है हमें, पहले तो हमने बेटा इन ऑयल पेस्टल्स का यूज करना है और इसमें कलरिंग करनी है। और ये सारा जब हमारा कलर का पार्ट फिल हो जाएगा तो बेटा इस तरीके से हमने स्ट्रॉज लेने हैं और उसको छोटे छोटे पीसेस जो हैं उसको हमने कट करके यहाँ पर बास्केट का टेक्सचर देना है। और अगर आपके पास ऐसे स्ट्रॉ वगैरह ना हो बेटा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे जो बास्केट का टेक्सचर हमने देना है उसको हम आइसक्रीम स्टिक होती है ना सभी बच्चों के पास, या किसी भी और तरह की आप ब्रूम स्टिक ले लीजिए, उसके छोटे छोटे पीसेस हम यहाँ पर बास्केट में लगा सकते हैं। तो इस तरह से बेटा हम अपने इस पेज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बेटा। फ्रेंड्स, अभी जैसे आपको मैंने पेज नंबर और टॉपिक बताया तो अब हम इस पेज में अपना काम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है हमारा 30 और जो टॉपिक है फ्रूट बास्केट, और साथ में हम करेंगे स्ट्रॉ पेस्टिंग। तो सबसे पहले बेटा जो पेज हम स्टार्ट करेंगे उसमें हमने करने हैं ये सारे जो फ्रूट्स दिखाए हैं इनमें कलर्स करने हैं। कलर्स आप ले लेंगे बेटा, हमें लाइट ग्रीन चाहिए, डार्क ग्रीन चाहिए, रेड, येलो, ब्राउन। रेड के भी हमने 2 शेड लिए हैं, आप एक से भी काम कर सकते हैं। तो फिर कलरिंग स्टार्ट करें। एक हमें इसमें थोड़ा सा पिंक कलर भी चाहिए है यहाँ पर करने के लिए। तो फिर हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं पाइनएप्पल से। पाइनएप्पल की जो ऊपर वाली ये लीव्स दिखाई हैं इसमें ये डार्क ग्रीन कलर यूज किया है, तो उससे हम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आप सभी बच्चे करना स्टार्ट करेंगे बेटा। इस तरह से इसकी सारी जो ये पाइनएप्पल के ऊपर वाली लीव्स है इनको बनाएंगे हम, सेम इसी तरह से यही कलर का यूज करेंगे बेटा। और फिर जो ये नीचे वाला है इसमें हम पाइनएप्पल के इसमें ब्राउन कलर करेंगे, ये दिखाया है मैंने आपको, ये देखिए। और इसके जो ये पैटर्न बने हुए बॉक्स बने हुए इनके अंदर हम ये वाला कलर फिल करेंगे। और इन 2 कलर से हमारा ये पाइनएप्पल में कलरिंग कंप्लीट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी तरह से ये हमारा बनाना दिया हुआ है यहाँ पर, बनाना में हम ये येलो कलर ले रहे हैं, येलो कलर से इसे कंप्लीट करेंगे। हर फ्रूट का मैं एक एक पार्ट आपको बता रही हूँ और उसके बाद फिर हम इसकी कंप्लीट कलरिंग करेंगे। तो आप कलरिंग करना स्टार्ट कर दीजिए बेटा। इस तरह से जैसे बनाना हम ये सारे कंप्लीट कर लेंगे, और जो ऊपर इसकी लाइन दी हुई है उसमें बेटा ये लाइट ग्रीन लेंगे। लाइट ग्रीन कलर से हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे। ये कर लेंगे। फिर और ग्रीन का यूज कहाँ है हमको, ये जो हमारे ग्रेप्स दिए हुए हैं ग्रेप्स में भी हम सेम यही वाला जो ग्रीन है इसका यूज करेंगे। इस तरह से बेटा ग्रेप्स के अंदर भी हम अच्छी तरह से आराम आराम से अपने कलर फिल कर लेंगे, और पूरे ग्रेप्स का जो बंच है उसको इस तरह से कलर कर लेंगे। ये ग्रेप्स के ऊपर वाली जो ये लीफ दी हुई है इसमें हल्का सा ये डार्क ग्रीन ले रही हूं मैं, आप भी इसको डार्क ग्रीन ले सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन डार्क वाला नहीं है तो आप लाइट ग्रीन का ही यूज कर सकते हैं, और उसमें से हल्का उसके ऊपर फिर हल्का हल्का ब्लैक चला देंगे तो आपका जो लाइट ग्रीन है वो डार्क ग्रीन का इफेक्ट देगा। तो ग्रेप्स से जो उसकी पत्तियां हैं थोड़ी सी हमें अलग कलर के ग्रीन से करनी है।
इस तरह से ये पत्ती सारी हम कर लेंगे इसकी। कलरिंग बिल्कुल अच्छी तरह से करेंगे, एकदम नीटनेस के साथ बेटा। ये हो गया, अब हमारा ये फ्रूट रह रहा है पेयर जो यहाँ पे दिखाया हुआ है हमारा, इसमें भी लाइट ग्रीन का यूज हो रहा है। हल्के हाथ से बिल्कुल इस तरह से चलाएंगे और इसकी शेप का ध्यान रखेंगे, जो ये शेप दिखाई हुई है इसी शेप के अकॉर्डिंग हमें अपना हैंड्स का जो मूवमेंट है इस तरह से करना है, ताकि जो इसकी शेप है वो शेप ना बिगड़े। आपने ऐसे सीधी 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 ऐसी लाइनें नहीं लगानी है बेटा इसमें, क्योंकि ये हल्का कर्व दिया हुआ है यहाँ पर इसकी शेप में, तो हम इस तरह से अपनी कलरिंग करेंगे। क्लास 5 स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे बेटा बहुत सारी चीजें ड्राइंग करना आप सीख गए हैं, अब धीरे धीरे अपनी कलरिंग को आप इम्प्रूव करिए। कलर अच्छे होना बहुत जरूरी है, तभी आपका जो कंपोजिशन है वो अच्छा दिखाई देता है। ड्राइंग तो आप सभी बच्चे करने लगे हैं मैक्सिमम, लेकिन अब कलरिंग में भी आपको अपनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ये इस तरह से हो गया, और यहां पर इस वाले फ्रूट में हम हल्का सा ये पिंक ले लेंगे इस तरह से। बेटा फ्रूट के सारे कलर हमारे ये हैं, इनको हम कंप्लीट करेंगे। यहां पर भी लाइट ब्राउन आ रहा है आपका, हल्का सा ये रेडिश ब्राउन है उसको कर लेंगे ये वाला चीक, वो होता है ना चीकू जिसको हम कहते हैं, वो आलू के कलर का ही होता है ना, वो वाला कलर है ये, उसमें हम कलर करेंगे। तो ये आप कलरिंग इसकी सारी इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे बेटा सारे फ्रूट्स की। और उसके बाद फिर बास्केट में कौन सा कलर आ रहा है, बास्केट में भी आपको कलर दिखा देती हूँ मैं। और उसके बाद जब कलरिंग हो जाएगी फिर हम इसमें अपनी स्ट्रॉ पेस्टिंग करेंगे। बास्केट में आप इस तरह से ये ब्राउन कलर कर लीजिए, जैसा अभी आपको बताया था मैंने, शेप का ध्यान हमेशा रखना है बेटा कलर करते वक्त। अब ये बास्केट नीचे से यहां से कर्व है थोड़ी सी, तो हमने अपने हाथ को उसी तरह से कलरिंग में यूज करना है। और इस पूरी बास्केट में कलर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब कलरिंग जब हमारी पूरी हो गई है बेटा, तो अब हमने इसमें स्ट्रॉ पेस्टिंग करनी है। स्ट्रॉ पेस्ट करने के लिए हम पहले इसमें फेविकॉल लगा लेंगे। फेविकॉल जब हमारी लगी होती है तो इजीली हमारी पेस्टिंग हो जाती है। और आप इन फ्रूट्स की जब आपकी कलरिंग पूरी हो जाए तो आप इसमें पहले आउटलाइन कर लेंगे, और आउटलाइन करने के बाद फिर जैसे ये देखिए आउटलाइन दिखाई है, और कुछ फ्रूट्स में छोड़ दिया मैंने, आप सारे फ्रूट्स में अपनी आउटलाइन कर लेंगे और उसके बाद फिर ये स्ट्रॉ पेस्टिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से बेटा कुछ स्ट्रॉ पेस्ट भी हुए हैं यहाँ पे, और आगे हम पेस्टिंग करते हैं इसकी। इस तरह से आप पेस्ट करते जाएंगे, और जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया बेटा कि अगर स्ट्रॉ आपके पास ना हो तो आप ब्रूम स्टिक का यूज कर सकते हैं अपनी बास्केट को टेक्सचर देने के लिए, या आइसक्रीम स्टिक है वो भी यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज आप पेस्टिंग वाली यहां पर यूज करके अपनी इस बास्केट को पूरा करेंगे। स्ट्रॉ बिल्कुल इजीली आराम से पेस्ट हो जाता है यहां पे बेटा, तो इसे कर लीजिए। और जब ये पूरी हो जाए आपकी पेस्टिंग, तब आप ऊपर इस पेज में अपनी डेट मेंशन करेंगे, और उसके बाद फिर इस जो पेज की पिक है वो मुझे भेजेंगे, अपना जो क्लास वर्क है उसको मुझे सेंड करेंगे। आराम आराम से पेस्ट करेंगे बेटा, पेस्टिंग में थोड़ा सा पेशेंसली आपको करना होगा काम।
और क्लास फाइव स्टूडेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास वर्क करके मेरे पास भेजिए बेटा। क्लास फाइव के बच्चे थोड़ा सा काम अभी कम भेज रहे हैं मेरे पास। सभी बच्चों ने अपना क्लास वर्क बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा करना है। ये छोटा पीस लिया है मैंने यहाँ पर, जहाँ छोटी स्पेस बची है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे इसे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये जो बास्केट का टेक्सचर हमने दिया है स्ट्रॉ से, ये पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे पेस्टिंग हमारी स्ट्रॉ की। और ये फिर आपका इस तरह से दिखाई देगा बेटा आपका जो ये पेज है। तो सभी बच्चे इस तरह से बेटा प्रॉपर पेस्टिंग करेंगे और उसके बाद जो अपना आउटलाइन जैसे मैंने आपको बताई है करनी है आपने सारे फ्रूट्स में, और आप ये जो कलरिंग है इसके बाद भी आउटलाइन कर सकते हैं फ्रूट्स में, या फिर आपका सारा यहाँ का स्ट्रॉ पेस्टिंग हो जाए उसके बाद आप बास्केट की आउटलाइन करिए, क्योंकि स्ट्रॉ अगर थोड़ा बहुत आपका बाहर निकल रहा है अनइवन है तो आप उसको वाइंड अप करने के लिए बास्केट में इस तरह से बाद में आउटलाइन कर सकते हैं। तो चलिए बेटा फिर अब इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।